जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय नरेश उत्तम पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय नरेश उत्तम पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजय निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय नरेश उत्तम पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वर्गीय जमुना निषाद अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, ललई यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ललई यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जोरदार नारे के साथ में एक साथ में नारा लगाइए, माननीय नरेश उत्तम पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय नरेश उत्तम पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आपके बीच में उत्तर प्रदेश के कर्मठ और जुझारू नेता, मान आगे आगे चेकिए, आगे चेकिए, आगे खाली करिए, आगे पूरा खाली करिए, पूरा खाली करिए बाबा। महिलाएं, जो हमारे जिले की महिलाएं हैं लोकल, निवेदन है कि थोड़ा सा स्थान बना ले, और जो हमारे यहाँ के नेता है, इस क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता, पिता तुल्य बुजुर्गों का, माताओं एवं बहनों का, और हमारे नौजवान क्रांतिकारी साथियों का, एवं मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं चरण स्पर्श करते हुए आप सभी का एक बार इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, एक बार जोर बात तालियों से स्वागत किया जाए। साथियों, आज मंच पर उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारीगण, निषाद पार्टी के पदाधिकारीगणों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, आज हमें इस परिवर्तन की लहर में एक निर्णय लेने की जरूरत है। साथियों, अगर हमारा जो 11 तारीख को वोट पड़ने वाला है, उस दिन अगर हमने एक सही निर्णय ले लिया, तो इस प्रदेश की नहीं, इस गोरखपुर की नहीं, इस देश की दिशा और दशा बदल सकती है। साथियों, हमें निर्णय लेने की जरूरत है, इस परिवर्तन के दौर में एक बड़ा परिवर्तन लाने की जरूरत है। साथियों, क्योंकि आज की जो वर्तमान सरकार है, शिक्षा मित्र विरोधी हो गई है, किसान विरोधी हो गई है, विद्यार्थी विरोधी हो गई है, रोजगार विरोधी हो गई है, आशा विरोधी हो गई है। जितने भी हमारे कर्मचारी थे, सारे लोग इस समय प्रताड़ित है, सारी क्षेत्र की जनता प्रताड़ित है। जो 2012 से 2017 तक माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, जो आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके बीच में एक नौजवान साथी को पेश किया है। आपसे अपील करना चाहता हूँ कि जो विश्वास, जो आशा माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विश्वास हमारे ऊपर किया है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन और अपील करना चाहता हूँ कि आपके उस विश्वास को कायम करने की जरूरत है। साथियों, और 11 तारीख को अपनी ताकत दिखा दीजिए कि जो अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया है वो सही है और सत्य है। जो परिवर्तन होने वाला है माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा, वो